मनुष्य यदि योग से, अध्यात्म से, अपनी निजता से, मूल प्रकृति और मूल संस्कृति से यदि दूर जाएगा, तो योग के बाद भोग और भोग के बाद फिर काम और तमाम तरह के जो चारित्रिक विघटन, और इससे पूरे राष्ट्र का माथा नीचे होता है। उत्तराखंड जैसी देवभूमि पर यह एक बहुत ही घिनौना पाप हुआ है, और उन अपराधियों को ऐसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे कोई इस तरह का दुष्कर्म और पाप करने का साहस न जुटा सके। मनुष्य यदि योग से, अध्यात्म से, अपनी निजता से, मूल प्रकृति और मूल संस्कृति से यदि दूर जाएगा, तो योग के बाद भोग और भोग के बाद फिर काम और तमाम तरह के जो चारित्रिक विघटन, और इससे पूरे राष्ट्र का माथा नीचे होता है। उत्तराखंड जैसी देवभूमि पर यह एक बहुत ही घिनौना पाप हुआ है, और उन अपराधियों को ऐसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे कोई इस तरह का दुष्कर्म और पाप करने का साहस न जुटा सके।